स्टार्ट करो। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम लाइव। यस आई मिस्ड यू टू, आई मिस्ड एवरीवन, आई रियली रियली मिस्ड यू गाइस एंड आई लव यू। और मैं बताना चाहता हूँ कि यार काफ़ी टाइम से सोच रहा था यार ऑर्गन पाइप्स कब करेंगे, बट क्योंकि आपका केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा था तो हमने थोड़े सेशंस डोनेट किए थे वहाँ पे। सो डोंट वरी, आई एम हियर और मैं यहीं पर रहूँगा, ठीक है ना। सो गाइस दैट्स अबाउट इट। माय नेम इज़ नमो कॉल, यू आर वॉचिंग अनअकैडमी जेई यूट्यूब चैनल। और अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो गुनाह कर रहे हो, लाल वाला बटन दब जाना चाहिए, घंटा बज जाना चाहिए। दिस इज जेई लाइव डेली, दिस इज़ अ रेवोल्यूशन। एंड अगर आपने इसको शेयर नहीं किया इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे तो आप उससे भी बड़ा गुना कर रहे हो। हैशटैग जेई लाइव डेली को शेयर करो अभी के अभी। आज हम ऑर्गन पाइप्स पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने कभी नहीं पढ़ा है, जैसे हमने कभी विजुलाइज नहीं किया है। और ट्रस्ट मी, ये सबसे आसान है। अभी तक स्टैंडिंग वेव्स चल रही हैं, पता है मैंने आपको बताया था वेव्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। पहले हमने जो इनिशियल चीज़ें पढ़ी वेव्स की, बेसिक चीज़ें जो बहुत सिंपल थी, उसके बाद हमने किया वेव्स इंटरफेयर कर सकती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये पढ़ा हमने वेव्स का। सुपरपोजिशन में तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे वेव का सुपरपोजिशन में। वन इज़ वेव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, उस पर कुछ अच्छे सवाल भी किए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा स्टैंडिंग वेव, जब दो वेव्स ऐसे भिड़ती हैं एक दूसरे से, है ना, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की, तो एक स्टैंडिंग वेव बनती है, टंग टंग करने वाली वेव, है ना, स्टैंडिंग वेव बनती है। जैसे ये एक स्टैंडिंग वेव है, ऊपर नीचे होती रहेगी ना, तो स्टैंडिंग वेव बनती है तब। तो अब ये स्टैंडिंग वेव्स ऑर्गन पाइप में भी बनती है, ठीक है। अब साउंड वेव्स होती हैं, अगर साउंड वेव्स यहीं पर ऑसिलेशंस करते रहे, है ना, वेव पार्ट, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसको विजुलाइज कराऊंगा मैं आपको कि इसमें स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है। ये सब आज के क्लास में हम करने वाले हैं। आज हम दो चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, ऑर्गन पाइप्स पूरी तरीके से, और दूसरा रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट, है ना, वो भी बहुत सिंपल होता है और मतलब तबाह कर देंगे आज, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन विद दिस एंड थैंक यू सो मच। सो अ लिटिल बिट अबाउट माय सेल्फ, माय नेम इज नमो कॉल, आई एम द डायरेक्टर ऑफ अनअकैडमी फॉर जेई एंड नीट एंड मेनी अदर कैटेगरीज। उसके अलावा आई हैव टॉट 1 million प्लस स्टूडेंट्स, आई एम एन एटेक पेटेंट होल्डर सर्टिफाइड बाय द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, एंड आई एम द लवर ऑफ ऑल ऑफ यू एंड फिजिक्स ऑब्वियसली, ठीक है। आई वॉज ऑल्सो वॉटेड फॉर बेस्ट टीचिंग एंड पेडागॉजी एट द नेशनल टीचर्स कॉन्क्लेव इन 2018। उसके अलावा यार बस द रीजन आई एम हियर इज बिकॉज आई लव द सब्जेक्ट, आई हैव टू मेक यू फॉलो इन लव विद फिजिक्स, क्योंकि अगर फिजिक्स समझ में नहीं आई तो टीचर की गलती है, और अगर केमिस्ट्री समझ में नहीं आई तो आपकी भी गलती है, और मैथमेटिक्स तो रहा है हमेशा से टॉपर्स टूल। तो यार ये एक रेवोल्यूशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हैशटैग जे लाइव डेली, ठीक है ना यार। ये इस हैशटैग के साथ, इस हैशटैग को हर जगह फॉलो कर लो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में आपको जो भी पसंद आए इस हैशटैग के साथ जरूर शेयर करना, आप मुझे टैग भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हम सारे टीचर्स इंस्टाग्राम पे, और हम सब इस अनअकैडमी जेई ऑफिशियल को फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है इसके 1000 फॉलोअर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आज में हम इसको 2000 कर लेते हैं, ना जल्दी से इसको 2000 करना है। इसको देखते रहना, अनअकैडमी जेई ऑफिशियल इंस्टाग्राम नेम है, इसको सर्च करो इंस्टाग्राम पे और जाके इसको फॉलो करो, अभी के अभी फॉलो करो, है ना, ये वचन दो मुझे अभी चैट पे भी, एवरीवन प्लीज फॉलो दिस, है ना, इट विल रियली बाइंड यू टू अस एंड द रेवोल्यूशन ऑफ हैशटैग जेई लाइव डेली, ओके। और शेयर करना भी बहुत जरूरी है, आप हमें टैग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा टाइनी URL, एक ग्रुप चैट है जिसमें 35,000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, है ना, और यार YouTube पे तो क्लोज टू 7 lakh बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो यार जल्दी से tinyurl.com/jeelivechat, है ना, अपने मोबाइल ब्राउजर में, मतलब पहले टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लो, इट इज़ सिंपल, पहले आप टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लो, टेलीग्राम इंस्टॉल हो गया फिर मोबाइल ब्राउजर में जाओ और वहाँ पे ये टाइप कर दो tinyurl.com/jeelivechat, ज्वाइन नाउ का बटन आ जाएगा, आप इसमें जुड़ जाओगे, बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो, एंड अगेन दिस इज आर लव टू ऑल ऑफ यू। इससे पता है बहुत हेल्प मिली है बच्चों को। तो यार ये देखो प्लेलिस्ट का लिंक है, हर प्लेलिस्ट का लिंक है, इंडिविजुअल लेक्चर्स का भी लिंक है, आप देख सकते हो उसको एक जगह पे, मोबाइल फोन में tinyurl.com/jeemobile या JEE Flicks, ठीक है, इसको आप डालोगे कि हिमालय पे भी बैठे होना और नेटवर्क आ रहा है तो सारे लेक्चर देख सकते हो, सारे नोट्स एक जगह पे आ चुके हैं, और वैसे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं आपको वो, ठीक है। सो दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट इट। उसके अलावा अनअकैडमी प्लस, अब यार देखो हम आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ाएंगे, बट अगर आपको हमारी लव और केयर चाहिए और पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए तो यार प्लस पे आना बहुत ज़रूरी है। प्लस पे हम आपके साथ जुड़ जाते हैं यार, बहुत पर्सनलाइज्ड वे में पढ़ाते हैं आपको। तो यार यहाँ पे लाइव प्लस क्लासेस होती हैं, जैसे आप देख सकते हो पोलिंग फीचर होता है, जैसे अगर क्वेश्चन चल रहा है वहाँ पे तो मैं पोल ऑन कर देता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि यू कैन एक्चुअली नो कि आप कितना फास्ट कर रहे हो और कितना आप लीडर
लीडर बोर्ड क्या है, कौन ज़्यादा जल्दी कर रहा है, हर क्लास में एक लीडर बोर्ड होता है, बहुत मज़ा आता है, ट्रस्ट मी, वी एस टीचर्स ऑल्सो लव इट। उसके अलावा टेस्ट सीरीज, आपको पता है यहाँ पे इंडिया की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है, आपको परसेंटाइल मिलती है एंड यू कैन एक्चुअली सी सबसे ज़्यादा बच्चे इसको दे रहे हैं, हाईएस्ट क्वालिटी टेस्ट सीरीज और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन। तो यार इससे बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि आप जेई में कैसा करने वाले हो, सेल्फ लर्निंग बहुत मिलती है, तो यार ये बहुत अच्छा फीचर है इसका। उसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन एवरी फोर्थ सेशन, हर चौथे सेशन में आप पता है क्या कर सकते हो, हर चौथे सेशन में सेशन चल रहा है, आप यहाँ पे देखो सेशन चल रहा है और एक बच्चे ने इमेज डाल दी और टीचर ने वो सबके सामने डिस्कस कर लिया, हर चौथे सेशन में ये होता है, एक नॉर्मल सेशन में भी आप कर सकते हो। अब यार यहाँ पे हम कभी नहीं बोलते कि यार ये कोर्स खरीद लो, सिग्नेचर कोर्स खरीद लो, 11th का ले लो, 12th का कोर्स ले लो, हम कभी ऐसा नहीं बोलते। अनअकैडमी प्लस बोलता है कि अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, जेई का सब कुछ ओपन है, 100 एजुकेटर्स, टॉप ऑथर्स, टॉप टीचर्स, इंडिया के टॉप टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ा रही है जिसके लिए बच्चे कोटा जाते हैं, एवरी वन इज ऑन अनअकैडमी प्लस एंड दैट इज वाई इट इज अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल एंड अनबिलीवेबल। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत महंगा है, बट गांव गांव में बच्चा बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है। अनअकैडमी की लर्निंग आपको इंस्टॉल करो, इसकी रेटिंग सबसे ज्यादा है, जरूर चेक करना जाके, ओके इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आप देखोगे कि अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आप IIT JEE सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो आप नीट सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज ये हरा बटन, यू आर वन स्टेप अवे। उसके बाद देखो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, अब यहां पे आप टाइम खरीदते हो, टाइम में आपके पास ये सब कुछ ओपन हो जाता है, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग, एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू, मल्टीपल बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, एंड अगेन बट अगेन यू विल चूज दोज बैचेस जो आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। अब हर बच्चा A1 में पढ़ेगा, है ना, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार 1 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा किफायती पड़ते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा किफायती होता है 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप यहां पे नमो लाइव कोड यूज करोगे, तो यार ये मैं बताना चाहता हूं, यार ये मेरा कोड है, नमो लाइव इज माई कोड, इससे आप मुझे, ये हमारे लिए सोशल करेंसी की तरह होता है, इफ यू यूज दिस कोड यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट और आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करते हो उससे, तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड नमो लाइव, ठीक है, नमो लाइव एंड अप्लाई। 1 मंथ से लेकर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है, अगर आपको मेरी किलोविजुलाइजेशन पसंद आता है, तो डेफिनेटली सपोर्ट करते रहना, सबको बताना भी इसके बारे में। और यार एक और चीज़, 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा किफायती पड़ता है, अब ध्यान से सुनो, अब जो जेई मेन्स अभी देने वाले हैं और एडवांस भी देंगे, उनके लिए छः मंथ काफ़ी रहेगा, बट देखो ध्यान से सुनो, अगर कोई 11th में आया है जिसके पास 7 महीने से ज़्यादा है ना, या जो 11th में है, या जो सॉरी जो 12th में है या ड्रॉप कर रहा है, जिसके पास 1 साल होगा, है ना, 6 महीने से ज़्यादा, वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेगा, ये सबसे किफ़ायती पड़ता है, ठीक है। और ये खाली कितने का पड़ेगा, 27,000 आफ्टर द कोड, है ना, कोड को अप्लाई करने के बाद, लगभग 2,000 रुपये पर मंथ, ठीक है ना, और ये लगभग 1,800 रुपये पर मंथ आफ्टर यू अप्लाई द कोड, ठीक है। और यार 2 साल का सब्सक्रिप्शन कौन लेता है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन वो लेता है जो या तो 11th में है, या 9th में है, या 10th में है, तो बहुत सारे बच्चे जो 9th में 11th कर लेते हैं और 10th में 12th कर लेते हैं, यार वो मचाते हैं, सिंपल सी बात है, उनको बहुत टाइम की एडवांटेज मिल जाती है, वो जेई में सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक्स लाते हैं, यू नो ओलंपियाड्स को क्रैक करते हैं, KVPY को क्रैक करते हैं, इट इज़ जस्ट एंडलेस। तो अगर आप इसको पहले से कर लोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो बेसिकली जो 9th में प्रेपरेशन स्टार्ट करता है वो 4 साल मिलते हैं उसको, और जो ड्रॉपर होता है उसको 3 साल ही मिलते हैं, क्योंकि उसने प्रेपरेशन लेट स्टार्ट की होती है, ब्रेन भी कम न्यूरोप्लास्टिक होता है उस टाइम पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली वी वुड लव टू सी ऑन अनअकैडमी प्लस एज सून एज पॉसिबल। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर ऑन ऑर्गन पाइप्स, लेक्चर 10 ऑफ वेव्स ऑर्गन पाइप्स, लेट्स बिगिन, दिस इज जेई लाइव डेली, और सब्सक्राइब नहीं किया तो गुनाह कर रहे हो, चलो एवरीवन। तो यार अब देखो, अब ये किलो विजुलाइजेशन देखते हैं इसका, तो यार ये ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप में भी तुम कुछ गुनगुनाते हो, तो आपने देखा होगा ना एक वो फ्लूट होता है ना, फ्लूट में क्या होता है कि कुछ होल्स होते हैं, है ना, फ्लूट एंड में क्लोज्ड हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, ठीक है, तो बहुत अलग अलग टाइप के फ्लूट होते हैं। तो यार तो बेसिकली एक ऐसा एक पाइप है, ऑर्गन पाइप कहते हैं इसको, एक नॉर्मल सा पाइप है, इसमें क्या होता है स्टैंडिंग वेव्स बन सकती हैं साउंड के साथ, अगर आप साउंड को डिस्टर्ब करोगे किसी फ्रीक्वेंसी पे, है ना, कोई स्पीकर डालोगे या समथिंग लाइक दैट, साउंड को डिस्टर्ब करोगे तो ऐसी स्टैंडिंग वेव्स बन सकती हैं। लो फ्रीक्वेंसी पे ये बनेगी, फिर एक हाई फ्रीक्वेंसी पे ये बनेगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज पे, है ना, एक कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जब ये स्टैंडिंग वेव बन गई, फिर ये स्टैंडिंग वेव बन गई, ठीक है। अब विजुलाइजेशन कैसे करेंगे, अब ये देखो ये परफेक्ट विजुलाइजेशन है इसका, ठीक है, ये तुम्हारी स्टैंडिंग वेव थी जो तुमने देखी थी स्ट्रिंग में, है ना, बट साउंड में क्या होता है पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, बट इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। अब ये देखो ये एक स्टैंडिंग वेव हो गई, एक फ्रीक्वेंसी की, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, है ना, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यार ये समझ में आ गया कि एक ऑर्गन पाइप में भी ऐसी स्टैंडिंग वेव बन सकती है, जैसे इसमें ऐसी ऐसी बन सकती है, ओपन एंड है तो एंटी नोड, ओपन एंड है तो एंटी नोड, है ना, एंटी नोड ये सब डिस्कस करेंगे। अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता, जैसे अगर कुछ ऐसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता, है ना,
है ना, अगर इसमें तुम यहाँ से साउंड फेंक रहे हो तो यार यहाँ से बेसिकली या डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसी स्टैंडिंग वेव बन सकती है ना, या इसमें ऐसी स्टैंडिंग वेव बन जाती है क्योंकि ये क्लोज्ड एंड है, तो यार यहाँ पे नोड होगा, है ना, क्लोज्ड एंड है, ये ओपन एंड है तो एंटी नोड है, तो यार यहाँ पे अगर नोड है तो, और यहाँ पे एक एंटी नोड होगा, ठीक है, तो यार ये नोड और एंटी नोड तो ये आपने मिनिमम केस बना दिया, मैक्सिमम एक और नेक्स्ट वाला केस ये होगा कि एक और नोड बना दी, है ना, तो यार एक और ऐसी वेव बन सकती है। अब ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो डोंट वरी, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स, ठीक है, और इसमें एक और चीज़ होती है एंड करेक्शन, है ना, एंड करेक्शन भी नाम की भी एक चीज़ होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में एक करेक्शन दिया गया था कि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत प्रोट्रूडेड होती है ये वेव, थोड़ी सी बाहर होती है, वो एंड करेक्शन होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। एंड करेक्शन पे बहुत सिंपल सवाल आते हैं, पहले फंडा सीख लो, ये ना पहले आइडियल फंडा सीख लो क्या होता है स्टैंडिंग वेव्स का, ठीक है, इन ऑर्गन पाइप्स। तो यार क्या आप ये देख पा रहे हो, क्या आप ये देख पा रहे हो कि देखो यार ये आपकी नोड है, ठीक है, ये आपकी नोड है, ये आपकी नोड है, तो एयर पार्टिकल्स स्टैंडिंग वेव में, एयर पार्टिकल्स देखो इस पॉइंट पे, ये जो पार्टिकल्स हैं, अब देखो ये वाले पार्टिकल्स, इनका कोई एम्पलीट्यूड नहीं है क्योंकि नोड के पास है ना, जो ये वाले पार्टिकल्स हैं, जो यहाँ वाले पार्टिकल्स होंगे, है ना, उनका इतना एम्पलीट्यूड होगा, है ना, इतना एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, तो वो इतना ही एम्पलीट्यूड यहाँ पे, जितना ये लेंथ है वो उतना ही ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। देखो अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ तो यू कैन एक्चुअली सी, देखो ये पिंक वाला पार्टिकल उतना ही ऑसिलेट कर रहा है, आई होप यू ऑल कैन फील इट, फील इट। और अगर आप इसकी बात करो एंटी नोड की, यहाँ पे साउंड पार्टिकल सबसे ज्यादा टू एंड फ्रो कर रहे होंगे, टू एंड फ्रो कर रहे होंगे, देखो यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये एंटी नोड है ना, तो यार यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स जो ऑसिलेशन कर रहे हैं वो बहुत बड़ा बड़ा वाला कर रहे हैं, बड़ा बड़ा वाला कर रहे हैं, ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट यार सवाल इस पे बेस नहीं होता, बट अगर इसको अगर आपने विजुलाइज नहीं किया तो फिर मज़ा भी नहीं आता। तो यार ये सब चीज़ें आपको कहीं मिलती नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखा दिया जाए कि अल्टीमेटली होता क्या है यहाँ पे, एक ऑर्गन पाइप में होता क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, ठीक है ना। तो यार इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि यार अगर तुमने यार यहाँ पे, अब देखते हैं डिटेल में देखते हैं इसको, है ना, कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए ऑर्गन पाइप्स के से पहले, कुछ फंडे जो अगर आपको पता होंगे तो एक एक चुटकी में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ जब मैं आपकी चीज़ें देखता हूँ। एक बच्चे ने स्टोरी में शेयर किया था इंस्टाग्राम पे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उसमें लिखा था कि आई वॉज स्ट्रगलिंग एट अ डेरिवेशन इन विच आई टुक 3 hours एंड देन आई सो नमो सर्स लेक्चर एंड उसमें ही डिस्कस्ड दैट ऑन 1 slide इन 3 lines एंड 2 minutes एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट हैपन्स वेन यू नो किलर विजुलाइजेशन। तो यार एक ये विजुलाइजेशन हो गया, अब आगे देखते हैं, ये बिट्स एंड पीसेस से हम रॉक स्टार बनेंगे। देखो अब यार एक वेव आती है ना, वो बेसिकली एक फ्री एंड नहीं है, फिक्स एंड पे आती है, तो ये उल्टी होकर वापस जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, बट इसमें फेज डिफरेंस आ जाता है पाए का, फेज डिफरेंस आ जाता है पाए का, ठीक है। तो यार यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ठीक है ना, समझ में आ गया, है ना, जो वेव ऐसे जा रही थी वो ऐसे आएगी, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये फ्री एंड है, तो यार ये फिक्स्ड एंड था, ये फ्री एंड है ना, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि यार यहाँ पे डेंस है, रेयरर टू डेंस है ना, तो यार ये मैं बोल सकता हूँ ये बेसिकली तुम्हारा डेंस साइड है और ये रेयर साइड है ना। बट यार यहाँ पे क्या हुआ, ये फ्री एंड है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि डेंसर टू रेयर जा रहा है, यहाँ पे रेयर टू डेंसर जा रहा है, ये रहा तुम्हारा डेंसर भाई, है ना, फिक्स्ड एंड है, डेंसर हो गया तुम्हारे लिए, समझ में आ गया। तो यार एक ये फंडा था तुम्हारा, दूसरा अब चलो रेयर टू डेंसर भी देख लेते हैं। तो जब तुम्हारी ये देखो ये पतली रस्सी, ये मोटी रस्सी है ना, तो पतली और मोटी रस्सी में क्या होता है, ये बेसिकली एक फिक्स्ड एंड की तरह होगा, ठीक है, इसको देखो ये तुम्हारा एक फिक्स्ड एंड की तरह होगा, फिक्स्ड एंड। जब तुम रेयर टू डेंसर अगर कोई वेव जाती है ना, कोई भी वेव जाती है, तो देखो उसमें से एक ट्रांसमिट हो जाती है और जो रिफ्लेक्ट होती है उसमें फेज डिफरेंस पाए का आ जाता है, क्यों, क्योंकि वो फिक्स्ड एंड की तरह होती है, वो फिक्स्ड एंड की तरह होती है रेयर टू डेंसर में। बट डेंसर टू रेयर में कुछ और होता है, डेंसर टू रेयर में क्या होता है, वेव यहाँ से गई है ना, थोड़ी सी ट्रांसमिट हो गई और फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे गई थी और ऐसे ही वापस आई, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नोड बनेगा, क्योंकि देखो जा रही थी ऐसे, रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, तो यार ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, दिख रहा है ना, इसीलिए तो आप देख रहे हो कि यार ये पॉइंट ऑसिलेट नहीं कर रहा, ये पॉइंट यहीं पर रह रहा है ना, बट ये वाला पॉइंट ऑसिलेट किया, पल्स आई ना, जब ये पल्स आई फ्री एंड पे तो ये ऑसिलेट किया, यहाँ पे नोड बनी, तो समझ में आ रहा है फ्री एंड। तो थोड़ी मतलब स्टोरी तुम वीव कर पा रहे हो अपने माइंड में, तो थोड़ी स्टोरी तुम वीव कर पा रहे हो अपने माइंड में, डेफिनेटली लाइक का बटन तहस नहस कर दो फॉर द टीम, ये टीम बहुत मेहनत करती है बच्चों, एंड आपने देखा होगा काफ़ी 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 कुछ चल रहा है, ठीक है, सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक इट ऑसम फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है।
अब बात करते हैं, अब इसको एकदम से मत देखो, बहुत डर जाओगे। कैसे देखना है वो समझाता हूँ। फिजिक्स को देखने का एक तरीका होता है, प्यार हो जाएगा अगर सही तरीके से देखा तो। स्टेशनरी वेव्स इन अ ऑर्गन पाइप है ना, क्लोज्ड एट वन एंड है ना, क्लोज्ड एट वन एंड है ना। तो अगर एक ऑर्गन पाइप है जो क्लोज्ड है एक एंड पे, जो एक एंड पे क्लोज्ड है ना, यहाँ पे क्लोज्ड है, तो वहां पे स्टेशनरी वेव बनेगी कैसे? पहले तो अब तुमने क्या पढ़ा था, स्टेशनरी वेव कब बनती है सर? स्टेशनरी वेव तब बनती है जब एक वेव ऐसे आ रही होती है, एक वेव ऐसे आ रही होती है ना। तो जब दो वेव्स सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की ऐसे है ना, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की ऐसे टकराती हैं तो स्टेशनरी वेव बनती है ना, करेक्ट, तभी बनती है स्टेशनरी वेव। और हाँ, एम्पलीट्यूड अगर अलग अलग हो ना तो पार्शियल स्टेशनरी वेव बनेगी, बट तो भी एक स्टेशनरी वेव तो बनेगी ना फॉर श्योर, ठीक है। तो यार ये फंडा क्लियर हो गया है ना। तो अब बात करते हैं, यहाँ से तुमने ट्यूनिंग फोर्क है ना किसी फ्रीक्वेंसी का एफ नॉट ऐसे बजाया, या बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी पे साउंड अंदर गई, तो साउंड वेव अंदर गई अंदर गई अंदर गई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, समझ गए, साउंड वेव अंदर गई फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो जो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव होगी है ना, तो तुम कंटिन्यूअसली वेव फेंक रहे हो और कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो जब दो वेव्स ऐसे ऐसे मिल रही हैं, पहले ये स्टोरी समझो, तो जब दो वेव्स ऐसे ऐसे मिल रही हैं तो क्या हो रहा है, एक स्टेशनरी वेव बनेगी, इसमें स्टैंडिंग वेव बनेगी है ना। मतलब एक पाइप में ये बन सकता है, एक पाइप में ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। अल्टीमेटली तो वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, बट तुमने उसको डिपिक्ट ऐसे किया, तो बहुत बार ये आ जाता है, ये वाली जो छोटी सी चीज़ है ना, ये हर जगह मिसिंग है। आई डोंट नो वाई बट इट इज़ मिसिंग है ना, द विजुअल पार्ट ऑफ इट इज़ मिसिंग, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई, एक वेव यहाँ से जा रही थी, रिफ्लेक्टेड भी आ रही थी, तुम फेंके जा रहे हो, रिफ्लेक्ट होती जा रही है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव है जब ये मिलती हैं तो स्टैंडिंग वेव बनती है, ठीक है। अब आप यहां से भी देख सकते हो, देखो अल्टीमेटली ये डेंस एंड हो गया ना तुम्हारा, ये रेयर से डेंस जा रही है, तो जब ये रेयर से डेंस जा रही है, जब ये रेयर से डेंस जा रही है, अरे रुको यार ये क्या हो गया, हाँ, तो जब ये रेयर से डेंस जा रही है तो क्या होगा, देखो यहां पे वेव ऐसे गई और ऐसे आना पड़ेगा इसको, है ना। तो यार यहां पे नोड होगी ना बच्चों, यहां पे एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, दिख रहा है यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो यार ये तुम्हारी नोड होगी, यहाँ पे तुम्हारी नोड होगी है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो यार यहाँ पे तुम्हारी नोड होगी है ना, एम्पलीट्यूड कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे तुम्हारी एंटी नोड होगी, ठीक है, एंटी नोड होगी। इज दिस क्लियर? आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया है, क्योंकि यार ये तो फ्री एंड है तुम्हारा, ये तो फ्री एंड है, ठीक है। तो इसमें समझ में आ गया, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स सुपरपोज। अब इसमें मल्टीपल टाइप्स की, अब देखो, अब तुमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तुमने रेजोनेंस भी पढ़ रखा है, हर फ्रीक्वेंसी पे फालतू एरी गेरी फ्रीक्वेंसी दे दी तो डैम्पिंग हो जाएगी, फिट नहीं होगी वेव, फिट करनी पड़ती है, स्टेशनरी वेव इज ऑल अबाउट फिटिंग है ना। आप तुम एकदम से प्लम्बर बन गए, तुम्हें वेव फिट करनी है, ठीक है, वेव प्लम्बर बन गए तुम, क्लियर है। तो वेव फिट करनी है, तो बेसिकली इसमें कौन सी कैसी कैसी वेव्स को फिट कर सकते हो, यहाँ पे नोड बनाना है, यहाँ पे एंटी नोड बनाना है, ठीक है, यहाँ पे नोड बनाना है, यहाँ पे एंटी नोड। चलो एक स्टेशनरी वेव जो फिट होगी वो ये हो सकती है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी है ना। अरे यार है ना, रुको, ठीक है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी? द अदर पॉसिबिलिटी कुड बी, सो दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द वेव, जिसमें एक नोड है एक एंटी नोड है। बट अब मैं बोल सकता हूँ, चलो यार यहाँ पे ये फिक्स्ड है कि ये नोड होगा, ये फिक्स्ड है कि ये एंटी नोड होगा, ये कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। अब चलो एक काम करते हैं, एक और नोड को इंट्रोड्यूस करते हैं बीच में, द नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है ना। तो यार एक और नोड को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये नेक्स्ट पॉसिबल होगा, तो यार ये नोड होगा तो यार यहाँ पे एक एंटी नोड बनेगा ऑटोमेटिकली। तो एक नोड एक्स्ट्रा मैंने फिट की तो उसकी वजह से ये भी आ गई है ना। तो अब इसमें ऐसी वेव बनेगी एक और, ठीक है, अरे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, रुको रुको रुको, बहुत ही गड़बड़ कर दी, रुको है ना। तो इसमें क्या बनेगा, नोड से नोड मिलाओ ऐसे है ना, ये नोड बन गई, एक पत्ती बन गई, ठीक है, हाँ समझ में आया। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल, सबसे छोटी वेव यहाँ पे डाली है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल, ये मेरी, इसको मैं कहूँगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं बोलूंगा ये मेरा फर्स्ट ओवरटोन है, नेक्स्ट पॉसिबल फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद जो आएगा वो होगा थर्ड ओवरटोन। हार्मोनिक्स का पता नहीं, जरूरी नहीं है कि हार्मोनिक्स हमेशा पूरी आ जाए, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक्स बड़ी अटपटी होती हैं, कभी कभी ऑड भी आ जाती हैं, समटाइम्स दे आर ऑड ऑल्सो, करेक्ट। तो यार यहाँ पे आप यही देखोगे, फर्स्ट हार्मोनिक के बाद थर्ड हार्मोनिक आएगी, ठीक है। अभी इसको, इसके साथ कैसे खेलते हैं अब उसको डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पे भी वेव फिटिंग करेंगे। पहले तो हमने फंडा सीख लिया कि यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनती है, काम खत्म, क्लोज्ड एंड पे नोड बनेगी है ना, ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगी, काम खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
ठीक है. ऑर्गन पाइप इज अ हॉलो ग्लास ट्यूब. ऑर्गन पाइप इज अ हॉलो ग्लास ट्यूब, ठीक है ना. इट्स अ हॉलो ग्लास ट्यूब. अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ओपन एंड का क्या सर, ओपन एंड पे एंटी नोड क्यों बनेगी. वो ओपन ऑर्गन पाइप में हम डिस्कस करेंगे, है ना. वैसे यहां पे भी डिस्कस करा सकता हूं. ये एक फ्री एंड की तरह है ना, ये एक फ्री एंड की तरह है, समझ में आ रहा है. ये एक फ्री एंड की तरह है, तो मतलब अगेन डिस्कस करेंगे. इन द ओपन ऑर्गन पाइप आप ये भी देखोगे. अब आप ये सोच रहे होगे कि क्लोज्ड में तो सर ने बहुत अच्छा आसानी से बता दिया कि यार यहां पे नोड बनेगी या एंटी नोड बनेगी, है ना. बट इतना ध्यान रखो, ओपन इज ऑलवेज एंटी नोड, क्लोज्ड इज ऑलवेज नोड, क्लोज्ड इज ऑलवेज नोड, एंटी नोड और नोड. तो ये पता है तो आप काफी कुछ कर सकते हो, है ना, स्टैंडिंग वेव में इन एन ऑर्गन पाइप. तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसीज, और इसमें भी मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटाने वाला. मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी करूंगा आज, और वो सारे प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व करूंगा वो होंगे बिल्कुल कॉमन सेंस से, है ना. किलर विजुअलाइजेशन से सॉल्व करेंगे बिल्कुल कंफर्टेबली. वेव्स रटने वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं है, बहुत विजुअल है, उसको बनाना पड़ता है, ठीक है. ओके, ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं. तो यार यहाँ पे है ना, तो एक मिनट रुको. तो यार ये तो फंडा हो गया आपका क्लोज ऑर्गन पाइप का. अब ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर लेते हैं और फिर दोनों को डिराइव करेंगे. अब ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसीज बाद में आएंगे उसमें ना. ओपन ऑर्गन पाइप में ये ओपन एंड है, ये क्लोज एंड है. अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्टेड वेव आएगी. अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ना, रिफ्लेक्टेड वेव कैसे आ गई यहाँ पे, है ना. यहाँ पे तो समझ में आ रहा था कि यार तुमने डंडा लगा दिया ये, है ना. बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है. क्यों? क्योंकि साउंड जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर वापस कान में आ रही है, ठीक है. रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है ना. तो बेसिकली यार ये समझ में आ रहा था, ये दीवार है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है. बट ओपन एंड में अब यहाँ पे तो होल है यार, होल से रिफ्लेक्शन कैसे होगा, अब बताता हूँ. तो बेसिकली ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है. और डेंसर टू रेयरर जब तुम्हारी वेव जाती है, देखो इसमें वेव यहाँ से गई, है ना. तो उसमें से देखो वेव यहाँ से गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई. तो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट होगा. ये तुम्हारी इंसिडेंट थी, ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी वेव, ठीक है. और ये तुम्हारी थी इंसिडेंट, ठीक है. इंसिडेंट तो ये भी तुम्हारी इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट. तो ये जाती है डेंसर टू रेयरर में, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे क्या होता है, ये सब तुमने पढ़ रखा है. तो अब तुम्हें पता है भाई ये दोनों वेव्स स्टैंडिंग वेव बनाएंगी. बट एक और चीज है, अब तुम समझोगे कि ओपन एंड पे एंटी नोड क्यों होती है. अब तुम ये सीखोगे ओपन एंड पे एंटी नोड क्यों होती है. अब तुम देखोगे, अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे वेव ऐसे गई और आई भी ऐसे. तो बताओ वेव से वेव मिल रही है, यहां पे हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब एंटी नोड, ज्यादा एम्पलीट्यूड. तो यार यहां पे होगी एंटी नोड. अब आपको समझ में आ गया, पूरी स्टोरी आपके सामने क्लियर है. अब मैं खाली खेल करूंगा. अब खेल क्या है, फिटिंग ऑफ द वेव्स, दैट इज जस्ट प्लेइंग विद वेव्स, ठीक है. जैसे हमने प्रेशर के साथ खेला था, वैसे अब हम स्टेशनरी वेव्स के साथ खेलेंगे. टू बी ऑनेस्ट, स्टेशनरी वेव सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं और सबसे ज्यादा आसान भी ये होता है अगर फंडा समझ में आ जाए, ठीक है. अब देखो ये एंटी नोड है. अब इसमें वेव फिटिंग करेंगे, इसमें क्या क्या वेव्स आ सकती हैं. सबसे कम एंटी नोड, दो एंटी नोड के बीच में एक नोड होगी, ये मिनिमम पॉसिबल केस है ना. अब इसको बजा कैसे सकते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट को बजाने का एक तरीका होता है ना. अब जैसे तुम्हें पता है कि गिटार की स्ट्रिंग को आप तेज भी कर सकते हो वाइब्रेट, किसी हायर फ्रीक्वेंसी पे भी ऑसिलेट कर सकते हो, कम फ्रीक्वेंसी पे भी कर सकते हो. तो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज की क्या होगी, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है ना, तो बीच में एक नोड डाल दी. तो यार ये मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं बोलूंगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है. तो यार एक नोड थी पहले, इसमें फंडामेंटल में एक नोड थी, ठीक है. दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, इसको ड्रॉ करो ऐसे. तो आप दो नोड्स इंट्रोड्यूस कर लो बच्चों, एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे. पहले यहाँ पे एक नोड थी, अब दो नोड कर दो. तो ये नेक्स्ट पॉसिबल होगा. नेक्स्ट पॉसिबल में क्या होगा, ऐसे बनाओ इस, यहाँ पे तो एंटी नोड ही बनना है. तो देखो एम्पलीट्यूड बना दिया, नोड पे कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, यहाँ पे ऐसे चम ऐसे ऐसे, ठीक है. मतलब देख रहे हो ना, तुम्हें पता है ना ये तो स्टेशनरी वेव बनाई है. मतलब यार यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मतलब यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, यहाँ वाला एयर मॉलिक्यूल यहीं पर रहेगा एज इज, ठीक है. तो ये तुमने बना दी, ठीक है. सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल. दिस इज द फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद आएगी सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन, सारी होती हैं. बट हार्मोनिक्स वो बाद में देखेंगे यार, हार्मोनिक्स का पता नहीं है, बड़ी धोखेबाज होती है हार्मोनिक्स, कभी आती है कभी नहीं आती है, ठीक है. वो बाद में देखना पड़ता है ओवरटोन, इसीलिए फंडामेंटली ऐसे पढ़ना चाहिए. बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी बता रहा हूँ. तुमने भी अगर पहले से पढ़ रखा होगा तो क्या किया होगा, पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिर फर्स्ट हार्मोनिक, तो बेसिकली वो ऑर्डर ही गलत है यार.
हार्मोनिक्स में हार्मनी नहीं है, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं, अब ये फन वाला पार्ट है, अब इसमें फन वाला पार्ट है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं बैठ के। ट्रस्ट मी, आई फील सैड फॉर यू इफ यू आर रट्टोफाइंग दिस। ये रटना नहीं होता है, इसमें तुमने बोला कि यार ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल, ये नेक्स्ट पॉसिबल, ये नेक्स्ट पॉसिबल, तो ये क्या हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, तो इसके फॉर्मूले सब रट लेते हैं, ठीक है। इसको डिराइव करेंगे आज, ठीक है, इसको आज हम डिराइव करेंगे, है ना। एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा या न्यू लैम्डा, ठीक है, इससे हम सब कुछ डिराइव करेंगे। वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन एयर, यहाँ पे अगर एयर है तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन एयर, तो वो वी है, और फ्रीक्वेंसी जो भी फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा, लैम्डा कैसे निकालेंगे, वेव को फिट करेंगे और देखेंगे अरे यार ये तो लैम्डा बाय फोर है, ये तो लैम्डा बाय फोर है, फिर इसमें देखेंगे ये आधा लैम्डा, वन बाय फोर्थ लैम्डा, तो आप बोलोगे यार ये तो थ्री लैम्डा बाय फोर है ना, तो हर एक में लैम्डा निकाल लिया आपने, वी तो ऑलरेडी पता है, तो वी बाय लैम्डा आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, वी बाय लैम्डा से, ठीक है, लैम्डा आप निकालोगे लेंथ ऑफ द ट्यूब से, फिटिंग से निकालोगे ये, तो बेसिकली ये हमने बहुत कर रखा है, फिर से करेंगे मजा आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें है कि स्टेशनरी वेव, अभी हमने जो भी पढ़ा है, फिर से वापस आ जाओ, तो बेसिकली अभी हमने फंडा सीखा है कि इसमें स्टेशनरी वेव बनती क्यों है, है ना, डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं कूदना चाहिए, क्लोज में देखा कि क्यों बनती है, फिर हमने देखा ओपन में क्यों बनती है, एंटी नोड, समझ में आ गया, क्लोज्ड पे नोड होता है, ओपन पे एंटी नोड होता है, उसको याद रखना भी कितना सिंपल है, बार बार डिराइव नहीं करना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब यार, अब देखो यार, ये तुम्हारी एक क्लोज्ड ट्यूब है, है ना, क्लोज्ड बेसिकली क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इट्स अ हॉलो ग्लास ट्यूब, हॉलो ग्लास ट्यूब, क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड, इसमें मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तुमने एक एंटीनोड, ये एंटीनोड है, ये नोड है, एंटीनोड और नोड के बीच में ये फिट कर दिया, है ना, एक स्टैंडिंग वेव को फिट कर दिया, आधी पत्ती आएगी, आधी पत्ती आएगी, ठीक है, तो यार तुमने ये फिट कर दिया, अब तुमने देखा, तुमने यहाँ पे क्या देखा, तुमने देखा, है ना, तुमने देखा कि एल क्या आ रहा है, एल इज लैम्डा बाय फोर, दिख रहा है ना, ये एक पत्ती लैम्डा बाय टू होती है, समझ में आ रहा है ना, देखो यार ये एक लैम्डा है, ये एक लैम्डा है ना, है ना, ये स्टैंडिंग वेव है, तो यार ये नोड है, ये एंटी नोड है, तो अगर ये एक लैम्डा है तो ये लैम्डा बाय टू है, ये लैम्डा बाय फोर होगा ना इसका, समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये यही तो फिट कर रहे हो तुम, ये क्या है, लैम्डा बाय फोर है, ठीक है, तो तुमने यहाँ पे लिख दिया एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय फोर, तो यार यहाँ से लैम्डा आ गया, तो क्योंकि तुम्हें लेंथ पता है अपनी, अपने ये जो भी है तुम्हारा, है ना, क्लोज ऑर्गन पाइप जिसको, है ना, तो लैम्डा कितना हो गया 4L, लैम्डा आ गया तुम्हारा 4L। वेलोसिटी क्या है तुम्हारी स्पीड की, स्पीड की वेलोसिटी, मतलब स्पीड की वेलोसिटी क्या बोल रहा हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, वी, है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, वी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल लो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ नॉट क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, v बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है ना, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा v अपॉन 4L, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज एफ नॉट, ठीक है, विच इज v बाय 4L, ठीक है, दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल, है ना, ये तुम्हारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है या मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, है ना, और इसको तुम बोलोगे, इसको तुम एक और चीज बोलोगे, इसको तुम बोलोगे कि ये तुम्हारी फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, इसको तुम बोलते हो फर्स्ट हार्मोनिक, क्यों, क्योंकि ये 1F0 है, समझ गए ना, बिकॉज दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1F0, ठीक है, इसलिए तुम इसको बोलते हो फर्स्ट हार्मोनिक, इट इज 1 times द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अब अगर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी तुम्हारी इसकी 2 times आ गई तो वो सेकंड हार्मोनिक हो जाएगी, 3 times, समझ गए ना, तो ये हार्मोनिक का फंडा कैसे आता है ये तुम्हें पता चल गया है ना, 1 times F0 है ये, है ना, तो ये फर्स्ट, तुम्हारी फर्स्ट हार्मोनिक हो गई। चलो अब बात करते हैं सेकेंड पॉसिबल, अब तुम्हें मैंने बताया था ना कि इसमें तुम्हारी एक नोड थी, एक और नोड ले आओ यहाँ पे और नेक्स्ट पॉसिबल ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो यार ये तुम्हारी नोड थी, एक और तुमने नोड इंट्रोड्यूस की, एक और नोड तुमने इंट्रोड्यूस की और तुम्हारी वेव कुछ ऐसे फिट होगी, वेव तुम्हारी कुछ ऐसे फिट होगी, टंग टंग टंग, है ना, फिट हो गई, अब जल्दी से बताओ लेंथ क्या होगी यहाँ पे, जल्दी से बताओ लेंथ क्या होगी, ये लेंथ विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय टू और लैम्डा बाय फोर, है ना, थ्री लैम्डा बाय फोर होगा, समझ में आ रहा है, कैसे 3 लैम्डा बाय 4 होगा, यार ये तुम्हारा लैम्डा बाय 2 है,
है ना, ये तुम्हारा लैम्डा बाय फोर है, समझ में आ गया। फिर से ड्रॉ करके बता देते हैं, ये एक स्टैंडिंग वेव है तुम्हारी, टंग टंग टंग, नोड नोड, एंटी नोड एंटी नोड, ठीक है। ये कौन सा वाला केस है, ये तुम्हारा ये वाला केस है, इसमें तुमने ये फिट किया है, ठीक है। पहले तुम ऐसे फिट कर सकते थे, फिर तुम ऐसे फिट कर सकते थे, नोड से एंटी नोड, तीसरा तुम ऐसे फिट करोगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक, समझ में आ गया। तो तुमने ये फिट किया है, तो यार ये क्या है, लैम्डा बाय टू, ये है लैम्डा बाय फोर, तो थ्री लैम्डा बाय फोर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब तुम यहाँ से क्या बोलोगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू फोर एल बाय थ्री, फोर एल बाय थ्री तुम्हारा ये आ गया, और वेलोसिटी तुम्हारी वी है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट पॉसिबल को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट ओवरटोन। ये ओवरटोन सारे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको ऐसे लिखो, एफ ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा, जो भी आ रहा है यहाँ पे, है ना, और वो क्या आ रहा है, फोर एल बाय थ्री, तो ये कितना आ जाएगा, थ्री वी बाय फोर एल। अरे यार, बट तुमने देखा लास्ट वाले प्रॉब्लम में, तुमने देखा था कि वी बाय फोर एल तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, ये तुमने पहले निकाला था, तो तुमने देखा कि यार ये फर्स्ट ओवरटोन है, उसका फॉर्मूला क्या है, थ्री वी बाय फोर एल, ठीक है। अब तुम बोलोगे, ओ माय गॉड, तुम बोलोगे फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स एफ नॉट, थ्री टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो तुम बोलोगे ओ ये तो थ्री एफ नॉट आ रहा है, मतलब दिस इज द थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, ये एंड में पता चलता है कि कौन सा हार्मोनिक है, ठीक है। तो तुमने एक चीज नोटिस की कि फर्स्ट हार्मोनिक के बाद थर्ड हार्मोनिक आया, ऐसा कब कब होता है, जब तुम क्लैम्प कर देते हो रॉड को, जब तुम एक एंड को क्लोज कर देते हो, तब जनरली जब तुम ये कंस्ट्रेंट्स लाते हो तो तुम देखते हो कि ऑड हार्मोनिक्स आती हैं, तो जो ऑड चीजें करोगे, एक एंड को तुमने क्लोज कर दिया तो ऑड हार्मोनिक्स आएगी, तो जनरली ये भी होता है एक तरीका जानने का, जैसे जब तुमने स्ट्रिंग को क्लैम्प किया था, याद है, तो तुम्हारी ऑड हार्मोनिक्स आई थी, तो ये एक तरीका होता है इसको याद रखने का, ठीक है। तो यार ये देखो, वैसे दैट इज इररिलेवेंट, है ना, तो क्लियर है। तो यार अब देखो, ये नेक्स्ट पॉसिबल होगी, है ना, इसमें तुमने बेसिकली दो नोड्स ले आए थे, अब तुम तीन नोड्स लाओगे, है ना, अब तुमने तीन नोड्स इंट्रोड्यूस कर दिए, एक दो तीन, है ना, नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी आ गई तुम्हारी है, इसको तुम बोलोगे सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड पॉसिबल है, इसको बोलोगे सेकंड ओवरटोन, फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसमें ये जो एल है ना, इसमें जो ये एल है, ये जो एल है ये किसके बराबर है, एक लैम्डा, ये दिस इज वन लैम्डा, है ना, एंड दिस इज लैम्डा बाय फोर, सो दिस विल बी लैम्डा प्लस लैम्डा बाय फोर, सो दैट विल बी फाइव लैम्डा बाय फोर, ठीक है। और अब जब यहाँ पे तुम फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन, ठीक है, ओवरटोन ई मिसिंग है इसमें, है ना, ठीक है, लिख देते हैं यार, है ना, रुको, ओवरटोन, ठीक है, सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है, जल्दी से बताओ, सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है, V by, हाँ अब यार यहाँ से लैम्डा भी निकाल लो, लैम्डा क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है तुम्हारा 4L by 5, है ना, 4L by 5 तुम्हारा लैम्डा आ गया, है ना, V by लैम्डा डालोगे तो तुम्हारा क्या आया, V by ये चीज़ यहाँ पे डालोगे, तब जल्दी से देखो क्या आएगा, 4L और यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना, 4L और 5 आ गया, तो ये 5F नॉट हो गया, अगर तुम इसको देखोगे ध्यान से, नाउ इफ यू राइट दिस अगेन, f of second overtone is equals to 5 times f naught, 5 times the fundamental frequency, है ना, क्योंकि तुम्हारी fundamental frequency तो v by 4L थी, तो 5 f naught हो गया, तो यार ये क्या है, ये तुम्हारी fifth harmonic हो गई, तो पहले first harmonic आई, फिर third harmonic आई, फिर fifth harmonic आई, तो ये 1, 2, 3, 4 वाला logic नहीं चल रहा है यहाँ पे, is this clear बच्चों, ठीक है, I hope आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है, क्लियर है, नहीं तो फिर से देख लेना, ओके। तो यार ये क्या हुआ, ये तुम्हारा हो गया फिफ्थ हार्मोनिक, हार्मोनिक, वैसे मैं इसको रोमन में नहीं लिखता हूँ, रोमन लेटर में नहीं लिखता हूँ, इसको मैं खाली ऐसे लिख देता हूँ फिफ्थ, क्योंकि हमारा स्टाइल ही कुछ ऐसा है ना, हम बेसिकली जब रोमन में लिखते हैं तो ओवरटोन के लिए लिखते हैं, ठीक है ना, इसको भी चलो ऐसे लिख देते हैं थर्ड हार्मोनिक, है ना, ठीक है, ये गलत लिख रहे हैं अपन, एक 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 फंडामेंटल वो बना लेते हैं तो हमें भी याद रहेगा, थर्ड है ना, फर्स्ट हम ओवरटोन के लिए लिखते हैं, थर्ड हार्मोनिक, मतलब ये मेरा तरीका है एक तरीके से, है ना, आई एम मोर कंफर्टेबल, आई थिंक दिस इज अ बेटर वे टू डू इट, है ना, तो समझ में आ गया, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। तो ओवरटोन्स हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, ये हार्मोनिक या तो पूरी होंगी, सारी होंगी, फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी, या ऐसा कुछ होगा कि F1 आई फिर F3 आई, समझ में आ गया, तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो यार यही देखो, इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप
in a closed organ pipe, stationary waves या standing waves are established at odd harmonics, ठीक है? At odd harmonics, ठीक है? इस पे एक simple question बन सकता है, but I hope आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है? हमेशा याद रखोगे इसको, ठीक है? Clear है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो, अभी यहाँ पे focus करो, everyone, focus here, focus on the session. Stationary waves in an open organ pipe. Open organ pipe मतलब दोनों साइड से ओपन है ना. अब हमें लॉजिक तो सारा पता है. यहाँ पे एंटी नोड होगी, यहाँ पे भी एंटी नोड होगी, तो दो एंटी नोड के बीच में एक नोड का होना जरूरी है, ठीक है? दो नोड का होना जरूरी है, ठीक है? दिस इज द पेरेंट. देखो बच्चे एम्पलीट्यूड पे खेल रहे हैं, तुम्हारे पापा ऐसे देख रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये नोड है तुम्हारी, क्लियर है? ये नोड है, ये एंटी नोड है. तो यार दो एंटी नोड, क्योंकि दो ओपन एंड है तो एंटी नोड फिक्स हो गए, तो बीच में नोड आना पड़ेगा. ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी. तो इसको तुम बोलोगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ये हो गई तुम्हारी फंडामेंटल या मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी. दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. दिस इज योर, आफ्टर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम्स योर फर्स्ट ओवरटोन. दिस इज योर फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है? हम हार्मोनिक की बात ही नहीं कर रहे यहाँ पे, हम तो बोल रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, नेक्स्ट पॉसिबल. इसमें दो नोड ऐड कर दी, यहाँ पे एक नोड थी, अब दो नोड ऐड कर दी तुमने, तो यार ऐसी कुछ चीज़ ऐड होगी, है ना? ये एक पत्ती बन गई, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है? दिस इज द नेक्स्ट पॉसिबल. सो ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट ओवरटोन. नेचुरली ये तुम्हारी हो जाएगी सेकेंड ओवरटोन. रुको एक मिनट, ये क्यों हो रहा है ऐसा? रुको एक मिनट, ये हो जाएगी तुम्हारी सेकेंड ओवरटोन, ठीक है? दिस विल बी योर सेकेंड ओवरटोन. और यहाँ पे क्योंकि कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो हम एक्चुअली देखोगे, अब तो हम एक्चुअली ये देखेंगे कि यार ये एफ नॉट आ रहा है, तो ये टू एफ नॉट आएगा, फिर ये थ्री एफ नॉट आएगा. यहाँ पे तुम्हारी सारी हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप, और इसको हम देखेंगे, ठीक है? अब देखते हैं. तो देखो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं. तो आपने एकदम से क्या बोला, एल, यहाँ पे थोड़ा जल्दी करेंगे, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू हो गया, ठीक है? एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L आ गया, है ना? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला. तो फिर यहाँ पे तुमने ये 2L लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, टिका दिया तुमने, तो तुम्हें पता चल गया कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई तुम्हारी v बाई 2L. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे v बाई 4L आया था, यहाँ पे v बाई 2L आया, है ना? ओपन ऑर्गन पाइप में v बाई 2L इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी. और इसी को तुम बोलोगे, है ना, इसी को तुम बोलोगे, तो तुम यहाँ से बोलोगे f1 क्या होता है, 1F0, ठीक है? 1F0, दिस इज ऑल्सो योर फर्स्ट हार्मोनिक. ये तुम्हारा फर्स्ट हार्मोनिक भी है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी 1F0 है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी फर्स्ट हार्मोनिक हो गई, ठीक है? क्लियर है? हार्मोनिक हमेशा एंड में लिखना है, ठीक है? हार्मोनिक हमेशा एंड में लिखना है. तो ये तुम्हारी फर्स्ट हार्मोनिक हो गई, और ये तुम्हारी मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है ना? मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट में क्या होगा, एक नोड की जगह दो नोड ऐड कर दी, है ना? दो नोड, नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी. तो पत्ती कुछ ऐसे बनेगी, दो नोड ऐड करते ही पत्ती कुछ ऐसे बनेगी, नोड एंटी नोड, यहाँ पे भी एक एंटी नोड, ठीक है? तो इसमें देखो कितनी वेव तुमने फिट की, लैम्डा बाय फोर, ये कितना है, लैम्डा बाय फोर, एल लैम्डा के बराबर हो गया, है ना? ये एल के बराबर हो गया लैम्डा, है ना? समझ में आ गया? तो तुम्हारा लैम्डा क्या आया, एल, ठीक है? एफ, ये फर्स्ट ओवरटोन हो गई ना, नेक्स्ट पॉसिबल फर्स्ट ओवरटोन लिखो यहाँ पे, फर्स्ट ओवर टोन विल बी इक्वल टू वी बाय लैम्डा. लैम्डा क्या आ रहा है यहाँ पे, एल, लिखो चुपचाप लिखो, ये क्या आ गया, वी बाय एल. और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी, यहाँ पे देख लो, एफ नॉट क्या था, वी बाय 2L था, है ना? तो यहाँ पे लिख दो, एफ नॉट क्या था, वी बाय 2L था. इसको नीचे, रुको यार ये क्यों होता है, हाँ ठीक है, तो तुमने इसको नीचे लिख दिया. ये तुम्हारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, और ये क्या है, ये टू टाइम्स, अगर तुम देखोगे ये क्या है, ये टू टाइम्स वी बाय 2L है ना? तो बेसिकली दिस इज टू टाइम्स एफ नॉट, योर फर्स्ट ओवरटोन इज वी बाय एल विच इज टू टाइम्स एफ नॉट, ठीक है? तो एफ ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इज टू टाइम्स एफ नॉट. उसकी वजह से मुझे एक चीज समझ में आई, क्योंकि ये टू है, तो दैट इज वाई से दिस इज द सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है?
दैट इज वाई इट इज द सेकेंड हार्मोनिक. तो आपकी नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या थी? सेकेंड हार्मोनिक जो फर्स्ट ओवरटोन थी, है ना. अब नेक्स्ट पॉसिबल क्या होगी? नेक्स्ट पॉसिबल होगी तुम्हारी थर्ड हार्मोनिक. इसको खुद से निकाल लेना यार, तीन नोट ऐड करोगे फिर देखो खुद निकाल लोगे कि यार ये देखो ये क्या है, ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, ये लैम्डा बाय फोर है, ये लैम्डा बाय फोर है, तो थ्री लैम्डा बाय टू हो गई. तो तुम्हारी लेंथ क्या आ गई यहाँ पे, है ना, लेंथ आ गई तुम्हारी थ्री लैम्डा बाय टू. तो यार यहाँ से लैम्डा क्या आ गया, टू एल बाय थ्री. लैम्डा आ गया, वी बाय लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी. तो जब तुम ये निकालोगे तो ये थ्री एफ नॉट आ जाएगी, ठीक है. तो यार ये बहुत ईजी है करना, इसको करना सीख लो, ठीक है. और फिर सवाल खुद ब खुद बनने लग जाएंगे, ठीक है, खुद ब खुद बनने लग जाएंगे, ठीक है. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम प्रॉब्लम्स. लेट्स हैव अ लुक एट सम प्रॉब्लम्स और बहुत अच्छी तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज पाइप, अब ये क्लोज पाइप है, उसकी लेंथ L1 है, तुम्हें नहीं दे रखा, इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इफ द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज 60 सेंटीमीटर्स, इसका दे रखा है. फाइंड द लेंथ ऑफ दिस. अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ. बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि क्या फॉर्मूला था. देखो वो यहाँ पे जाएंगे, मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करते, ठीक है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, है ना. एंड एवरी वन, दिस इज फॉर द एंटायर नेशन टू सी. बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो फॉर्मूला आपको मैंने दिखाया था ना, ये याद करते, फिर वो बोलते अरे क्लोज के भी कुछ थे, है ना, इसका फर्स्ट, उसका सेकेंड, उसका थर्ड. अरे क्यों करना है ये सब? अब देखो मैं कैसे करता हूँ विदाउट रिमेंबरिंग एनीथिंग. फॉर्मूले तो तुम याद रख ही सकते हो, बट मैं तुम्हें जैसे करके दिखा रहा हूँ उसको देखना. देखो मैं बहुत ही प्रैक्टिकली जीरो लगेज वाला तरीका बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का, एंड दैट इज द मेरिट ऑफ डूइंग द क्वेश्चन लाइक दिस. ध्यान से देखना. तो इसमें दे रखा है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे कोई स्पीकर या ये ट्यूनिंग फोर्क बजाया, है ना, एफ नॉट का, यहाँ पे भी एफ नॉट का बजाया, तो यार यहाँ पे मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनी, है ना, यहाँ पे मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनी, है ना, ये वाली वे स्टैंडिंग वेव बनी. यहाँ पे क्या बनी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, एफ नॉट दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है. यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी बनी, देखो दोनों की सेम है, यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी बनी जल्दी बताओ, है ना, इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्गन पाइप, फर्स्ट ओवरटोन, है ना. तो यार ये तो इसकी फंडामेंटल होगी, ये तो इसकी फंडामेंटल होगी ना, है ना, ये फंडामेंटल होगी, बट फर्स्ट ओवरटोन विल बी नेक्स्ट वन, दो नोड वाली होगी, है ना. तो चलो वो बना दो, यहाँ पे बना दो, ये तो फंडामेंटल है, अब फर्स्ट ओवरटोन बना दो. कभी कभी थोड़ा और बनाना पड़ जाएगा, बस बनाओ ज़रूर, ठीक है. इसको मैं बोल रहा हूँ ये इसकी फर्स्ट ओवरटोन होगी, फर्स्ट ओवरटोन क्या होगी, दो नोड वाली होगी, है ना. तो आपने ये नोड बनाई, ठीक है, ये नोड बनाई, अब इसको जोड़ दो, ठीक है, ये बन गई. अब दोनों की फ्रीक्वेंसी लिख दो जैसे लिखते हो फिट करके, और हो गया काम, ठीक है. वेलोसिटी तो दोनों में v होगा ना बच्चों, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, है ना, एयर तो दोनों के लिए सेम है. चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ, दोनों सेम है, यही तो लिखा है, है ना. इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इसकी फंड वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो फिर यहाँ पे एफ नॉट क्या होगा, एफ नॉट विल बी इक्वल टू वी बाय लैम्डा, है ना, वी बाय लैम्डा. यहाँ पे लैम्डा क्या है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा वन, है ना, और यार यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा टू. अब देखो ध्यान से, L1 क्या है, L1 इज लैम्डा बाय फोर दिख रहा है मुझे, लैम्डा वन बाय फोर, समझ में आ रहा है मेरी बात, है ना, लैम्डा 1/4, यार समझ में आ गई बात, ओके, है ना. या बेसिकली खाली लैम्डा ले लो यार, वी इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसको लैम्डा ही ले लो, इसको भी लैम्डा टू, और ये सब क्यों ले रहे हो. तो यार यहाँ पे λ/4 हो गया, ये L1 इज इक्वल टू λ/4 हो गया. तो यार अगर ये λ/4 हो गया है तो लैम्डा यहाँ पे क्या आ गया, 4L1, लैम्डा आ गया यहाँ पे 4L1, है ना. तो यार यहाँ पे आप F0 क्या लिखोगे, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखोगे, F0 इज इक्वल्स टू वी बाय 4L1, ठीक है, लिख दिया. अब यार यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे अब ये देखो, ये λ/4 है, λ/2, λ/4, तो L2 तो लैम्डा के बराबर ही हो गया, ठीक है, L2 तो लैम्डा के बराबर ही हो गया. तो अब जब तुम इसका लिखोगे F0 इज इक्वल्स टू v बाय L2. अब ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दो. तो व्हेन यू इक्वेट दिस, ठीक है,
अब जब तुम इन दोनों को इक्वेट करते हो, है ना, तो तुम्हें क्या मिलता है, जल्दी से देखो, जब तुम इन दोनों को इक्वेट करते हो तो आएगा 4L2। अरे क्या हो रहा है, रुको एक मिनट, जल्दी से करते हैं इसको, इक्वेट करते हैं, V by 4L1 is equals to V by L2, ठीक है। तो देखो 1/4 का रेशियो आ गया, 1/4 का रेशियो आ गया, तो इसका 1/4 आएगा, ये 60 है तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 15 cm, है ना, बड़ा ही सिंपल है। तो यार देखो L1 निकालना था ना आपको, हाँ L1 विल बी इक्वल टू L2/4, है ना। तो L1 क्या हो जाएगा आपका 15 cm, क्योंकि आपको L2 दे रखा है 60। ईजी, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यार अगर फ्रीक्वेंसी सेम है और वेलोसिटी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होगी, है ना, वेलोसिटी ऑफ द, समझ गए ना, फ्रीक्वेंसी सेम है और वेलोसिटी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होगी। तो फिर यहाँ पे कितनी वेवलेंथ फिट हो रही है, यहाँ पे देखो, ये देखो आधी पत्ती फिट हो रही है, और यहाँ पे कितनी आधी पत्तियां हैं, आधी पत्ती, ऐसे भी कर सकते थे, समझ में आ गया मेरी बात, सेम वेवलेंथ को फिट करना है, समझ में आ गया, सेम वेवलेंथ को फिट करना है, इसीलिए मैं तुम्हें L1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 से नहीं बता रहा था, सेम लैम्डा होगी। तो यार इसमें तुम्हें आधी पत्ती फिट करनी है, इसमें तुम्हें फर्स्ट ओवरटोन के हिसाब से कितनी आधी पत्ती है, आधी पत्ती, ठीक है। तो इसकी 4 times होगी लेंथ, ये 1/4 होगी, ठीक है, क्लियर है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। बट इसको विजुअल वे में करना ज़्यादा मजा आएगा, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड 100% श्योर कि आपने गलत फॉर्मूला यूज नहीं किया, और लेने के देने नहीं होंगे, जेई में लेने के देने नहीं करने। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, अब आगे करते हैं, ऐसे बहुत सारे आते हैं, अनगिनत प्रॉब्लम आते हैं ऐसे, तो ये कराना जरूरी था, और विदाउट फॉर्मूला करना ज़्यादा जरूरी है। एन ओपन ऑर्गन पाइप, अब यहाँ पे देखो, ये एक ओपन ऑर्गन पाइप है तुम्हारे सामने, है ना, इट रेजोनेट्स इन इट्स फंडामेंटल मोड, हाँ बिल्कुल फंडामेंटल है, एंटी नोड के बीच में नोड, ये सबसे मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, ऐसे रेजोनेट कर रहा है ना, तो एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 Hz, है ना, 500 Hz की फ्रीक्वेंसी पे ये रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें तुमने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है ये 500 Hz का किया है, ठीक है, ऐसे रेजोनेट कर रहा है 500 Hz पे, है ना। अब इसमें ये भी लिखा है कि इफ़ एयर इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर, तो प्रेशर भी है ना, सेम टेम्परेचर प्रेशर, बेसिकली द डेंसिटी ऑफ एयर इज दिस एंड H2 इज दिस, तो बेसिकली आपको ये दे रखा है कि रो ऑफ एयर इज गिवन एज 1.2, रो ऑफ H2 इज गिवन एज 0.089, आपको ये चीज़ गिवन है। अब आपको ये बताना है कि वॉट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर, तो बेसिकली आपको ये बताया गया है कि एफ इन एयर ये गिवन है आपको, है ना, तो आपको क्या गिवन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देखो एफ नॉट आपको एयर में गिवन है, एयर में क्या गिवन है, 500 Hz, और आपको निकालना क्या है, एफ नॉट इन H2, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आपने पहले लिख दिया कि आपको निकालना क्या है, अब पहले देख लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता क्या है इसमें, तो V बाई 2L था ना, देखा था ना आपने, देखो यार यहाँ पे F नॉट लिख के देखो, F नॉट क्या होगा, V बाय, है ना, तुम्हारा ये L क्या आता है, L आता है तुम्हारा लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 2 होगा, तो ये लैम्डा डालोगे तो ये क्या कितना आ जाएगा, V बाय 2L, क्योंकि तुम्हारा लैम्डा 12 के बराबर है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 12, तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, है ना, तो तुम्हें पता है कि एफ नॉट ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, डिराइव भी कर लो, याद मत रखो, डिराइव कर लो, एक सेकंड लगता है, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। अब एक प्रॉब्लम आ गई, तुम्हें तो एफ नॉट ऑफ एयर दे रखा है, तो वेलोसिटी एयर में अलग होगी, H2 में अलग होगी, ठीक है, वेलोसिटी एयर में अलग होगी और H2 में अलग होगी, तो भाई तुम भी यही करने वाले हो, ठीक है, तो तुम भी यही करने वाले हो, है ना, तो तुम पहले लिखोगे, ध्यान से देखो, F नॉट एयर क्या होता है, F नॉट एयर इज इक्वल टू V एयर बाय 2L, है ना, और F नॉट H2 क्या होता है, V इन H2 अपॉन 2L, है ना। अब वेलोसिटी इन एयर का फॉर्मूला याद है, साउंड वेव्स में पढ़ाया था, बहुत सिंपल फॉर्मूला था, γRT/m, है ना, टेम्परेचर सेम था, या γP/ρ, है ना, γP/ρ, है ना, याद है सबको, तो मैं क्या लिखूंगा, γP/ρ air, और ये एयर का गामा है, ठीक है, γP/1/12, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, और ये क्या होगा, γH2P/ρ air,
ठीक है, और ये हो जाएगा 1/12. इज दिस अंडरस्टूड? हाँ, ओके. तो 10 मिनट और लेंगे अपन, ठीक है? तो क्लियर है? तो यार ये हो गया तुम्हारा, ये ठीक है, ये तुम्हारा, तुमने दो फॉर्मूले लिख दिए. तो अब यार तुम्हें पता चल गया, तुम्हें ये दोनों पता है. अब यार यहाँ पे फंडा क्या है? अब जो हमारी एयर होती है ना, अब ये बहुत अच्छी चीज़ है. तो गामा ऑफ डायटोमिक गैसेज, गामा, तुमने पढ़ा होगा ना कि गामा होता क्या है ना? तो गामा ऑफ डायटोमिक गैसेज अलग होता है, ट्राईटोमिक गैसेज कुछ और होता है ना? तो फंडा ये है कि जो हमारी एयर है उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा N2 है, डायटोमिक गैस. उसके बाद 99% डायटोमिक गैसेज ही है, है ना? ऐसे याद रखो. 79 फिर ऑक्सीजन है, जो हम जिससे सांस लेते हैं, है ना? बहुत कम ऐसी गैसेज होती हैं एयर में जो मतलब बेसिकली डायटोमिक नहीं होती है ना? तो हमारी हमारी जो एयर है उसमें 99% से ज़्यादा है ना डायटोमिक गैसेज ही होती है. तो जो गामा ऑफ एयर और गामा ऑफ H2 इज ऑल्सो अ डायटोमिक गैस. तो ये बेसिकली दोनों सेम होंगे, है ना? तो ये फंडा आपको समझ में आ गया है ना? ये बेसिकली सेम होंगे, ठीक है? ये आपको जानना, अगर आपको वैल्यू पता है तो डाल लो, निकाल तो तुम लोगे. बट बेसिकली अब तुम्हें समझ में आ गया, गामा ऑफ एयर इज वेरी क्लोज टू अ डायटोमिक गैस का गामा, है ना? तो अब तुमने ये कर लिया, ठीक है? तुमने ये बेसिकली ये फंडा लेते हो तुम, है ना? यहाँ पे देखो, बिकॉज एयर मेजरली हैज दिस डायटोमिक, तो एयर को तुम डायटोमिक मान लेते हो, ठीक है ना? अब तुम क्या करोगे, अब तुम इसको डिवाइड करोगे ना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना? तो व्हेन यू डिवाइड दिस, नाउ योर फंडा इज सिंपल टू डिवाइड दिस. तो व्हेन यू डिवाइड दिस, व्हाट विल यू गेट? 500 अपॉन एफ नॉट, जो तुम्हें निकालना है H2 में, विल बी इक्वल टू, है ना? अब जब तुम डिवाइड करोगे तो ये प्रेशर सेम प्रेशर पे होगा, है ना? सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर उस केस में. तो यार ये देखोगे तो उल्टा आएगा एयर एयर. तो यार यहाँ पे तुम्हारा रो ऑफ H2 आ जाएगा. और सॉरी यार यहाँ पे ये H2 लिखना है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया अपन ने. रो ऑफ H2 ये लाप्लास ने निकाला था, याद है? रो ऑफ एयर. तो अब यार ये दोनों तुम्हें चीज़ें पता है, तुम निकाल सकते हो. अब तुम निकाल सकते हो, जब तुम ये वैल्यूज यहाँ पे डालोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब जब तुम इसको करोगे 500 बाय एफ नॉट H2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या करोगे तुम, रो H2 क्या है, 0.089, और यहाँ पे आ जाएगा 1.2, है ना? तो फिर यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा एफ नॉट H2 का 1840, ठीक है? 1840 मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, बट ये 1840 आ जाएगा, यू कैन वेरीफाई इट, ठीक है? जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे ये तुम्हारा 1840 आ जाएगा. क्लियर है? एटीन फोर्टी आ जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? क्लियर है? मजा आ रहा है? ओके. अब देखो, टू सक्सेसिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज इन एन ओपन ऑर्गन पाइप, इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज दिस एंड दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब. तो जब तुम्हें सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, जब तुम्हें सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी हो, तो पहली चीज ओपन ऑर्गन पाइप में जो तुमने पढ़ा है, ओपन ऑर्गन पाइप में तुमने क्या क्या पढ़ा है, देखो ओपन ऑर्गन पाइप है ये, ठीक है, है ना? फिर एक और ओपन ऑर्गन पाइप, फिर एक और ऑर्गन पाइप, ठीक है? देखो फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा ही नहीं आज, मैंने मतलब बेसिकली कसम खा के आया था कि फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, ठीक है? मैं कभी वैसे भी नहीं करता था एज अ स्टूडेंट, ये आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है? और तो भी प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जैसे कुछ नहीं. ये तुम्हारी मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी, है ना? ये क्या आई थी, ये एफ नॉट क्या आया था, मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, करो हिसाब किताब करो. ये लैम्डा बाई ट्वेल्व, है ना? तो ये आएगा तुम्हारा वी बाई ट्वेल्व, है ना? फिर ये वाली तुम्हारी ओपन है तो सारी हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? तो ये तुम्हारी F1 क्या आती है, फर्स्ट हार्मोनिक क्या है, इसमें क्या है, टू सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज, है ना? तब यार यहाँ पे जब तुम ऐसे करोगे, ठीक है, टंग टंग टंग, ये नेक्स्ट पॉसिबल होगी. अब यहाँ पे टंग टंग टंग, तीन नोड, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी. तो यार ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 times V/12, है ना? 2 times F0, और ये तुम्हारी हो जाएगी 3V/12. तो बेसिकली F0, 2F0, बेसिकली ये वही वाली स्ट्रिंग वाला केस हो जाता है. ओपन है, सिंपल है, है ना? ओपन है तो सिंपल है. तो यार देखो, क्लोज्ड होता तो तुम्हें पता होता, है ना? डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज क्या होता है F0 का. तो यार ये फ्रीक्वेंसी क्या है,
ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारी एफ नॉट है, ये तुम्हारी 2F0 है, ये तुम्हारी 3F0 है, ये तुम्हारी स्ट्रिंग की तरह हो गया, जो तुम्हारी नॉर्मल स्ट्रिंग थी ना, जो तुम्हें मैंने बताई थी, नॉर्मल स्ट्रिंग में सारी फ्रीक्वेंसीज ऐसे होती हैं। तो ओपन ऑर्गन पाइप में भी देखो कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, सारी हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करती हैं। तो हमेशा दो सक्सेसिव का डिफरेंस क्या होता है, F0, इनका डिफरेंस क्या होगा, F0। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें यही चीज गिवन है कि F, देखो ध्यान से देखो, f of n plus 1 इज इक्वल्स टू n plus 1, ध्यान से देखना, n plus 1 इंटू F0। एफ ऑफ n इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा n F0। मतलब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज हो गई ना, ये n प्लस वन है तो ये n है, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज है ना ये दोनों, या फिफ्थ सिक्स या सेवन्थ नाइन्थ, मुझे फर्क नहीं है, n और n प्लस वन, ठीक है। तो इनका भी डिफरेंस क्या होगा, F0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यार ये क्या आ रही है, ये मुझे गिवन है 12592, ये बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना, ये छोटी फ्रीक्वेंसी है, ये कितना है 1944। ठीक, आपको समझ में आ गया, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नाउ इफ आई सी एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस एफ एन इज इक्वल्स टू है ना F0, है ना, इज इक्वल्स टू F0। और यार यहाँ से मुझे पता चलता है कि इन दोनों को माइनस करना है ना, इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो चलो इन दोनों को जब मैं माइनस करता हूँ तो देखते क्या आता है, 2592 माइनस 1944 इज इक्वल्स टू F0, तो वो मेरा आ जाएगा 648 इज इक्वल्स टू F0। बहुत ही बढ़िया, ये मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। बट ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है ही नहीं, वो पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तब तुम्हें F0 पता है तो निकाल लो ना यार, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी पता है तुम्हें, है ना, तो तुम्हें वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना पता है, 324, वी भी पता है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी पता है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो अब तुम ये लगाओगे, F0 इज इक्वल्स टू वी बाय एल, निकालना तुम्हें, है ना, तो चलो इसको लगाओ इसमें। तो अब तुम इसमें लगाओगे 324, ठीक है, इसमें तुम ये डालोगे, ये भी डालोगे, तो जब तुम ये सब चीज़ें डालते हो, F0 तुम्हारा सॉरी उल्टा है, ये क्या होगा 648, है ना, F0 है तुम्हारा 648, ठीक है, 648 इज इक्वल्स टू 324 बाय 12। ओ बहुत ही बढ़िया, दिस इज ऑसम, दिस इज सुबहान अल्लाह। सो दिस इज 324, दिस इज 648, तो यार ये कटेगा 2 से, तो L तुम्हारा आ गया 1/4, ठीक है, तो तुम्हारा L आ गया 1/4 मीटर, 1/4 मीटर कितना होता है 0.25, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, क्लियर, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, अब आगे बढ़ते हैं। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखा हमने, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखा। अब इसको देखते हैं, अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर्स, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को तुमने दो अनइक्वल पीसेस में काट दिया, दो अनइक्वल पीसेस में काट दिया, मतलब एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप था, ध्यान से देखो, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप था, उसको तुमने काट दिया, ठीक है, उसको तुमने दो इक्वल पीसेस में काट दिया, है ना, दो इक्वल नहीं, अनइक्वल पीसेस, देखो जैसे पीसेस के साइज दे रखे हैं, ये 100 सेंटीमीटर था, ये कितना था 100 सेंटीमीटर, अब तुमने इसको काट दिया, है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, यू अनइक्वल पीसेस, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पार्ट इज फाउंड टू बी, है ना, तो तुमने इसको ऐसे काट दिया, है ना, तो तुमने बोला कि यार ये L1 है, ये L2 है, ये L1 है और ये L2 है ना, और अब तुम्हें क्या बोल रखा है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पार्ट, जो क्लोज्ड वाला पार्ट है ना, तो इसमें इससे दो बन गए, अब चलो दो बना दो, ये प्रॉब्लम एक्चुअली कई बार आया है, तो ध्यान से देखना, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। तो पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है बच्चों, पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ L1 वाले को, ठीक है, तो पहले मैंने इस L1 वाले को ड्रॉ किया, ठीक है, ये L1 वाला का को ड्रॉ कर दिया, ये एक बन गया इससे, क्योंकि अगर मैं इसको काटूंगा तो एक मेरा नॉर्मल ऑर्गन पाइप बनेगा, ओपन एट बोथ द एंड्स, और एक क्लोज वाला बनेगा, है ना, तो दूसरा वाला जो बना मेरा, वो मेरा ये वाला बनेगा L2, ठीक है, दो पार्ट्स बन गए। तो इसमें ये दे रखा है कि इन दोनों की कौन सी फ्रीक्वेंसीज इक्वल है, वो बता रहा हूँ,
इसकी फंडामेंटल है ना, इसकी फंडामेंटल, इसकी फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड वाले की इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पार्ट. फर्स्ट ओवरटोन, तो यार यहां पे इसकी फर्स्ट ओवरटोन चलो लिख दो, ठीक है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी फर्स्ट ओवरटोन ड्रॉ करो. फंडामेंटल ऐसे होगी, मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन है ना. तो अब देखो फर्स्ट ओवरटोन मतलब फंडामेंटल के बाद वाली. फंडामेंटल ये होती एंटी नोड और बीच में नोड, ये फंडामेंटल होती, बट हमें दो नोड वाली चाहिए, दो नोड वाली चाहिए, ठीक है. चलो अब दो नोड वाली ड्रॉ करते हैं, ये नहीं है वो फर्स्ट ओवरटोन. फर्स्ट ओवरटोन क्या होगी, दो नोड वाली, दो नोड ड्रॉ कर दो, टंग टंग टंग, इसको ड्रॉ करने में बड़ा मजा आता है. तो अब जल्दी से देखो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी है ना यार, यहाँ पे जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आएगी और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, सेम है इनकी, ठीक है, इट इज द सेम, सेम फ्रीक्वेंसी है. तो एफ एफ लिख दिया, ठीक है. अब देख लो बस यार यहाँ पे लैम्डा बाय फोर, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय फोर, लैम्डा लैम्डा बाय फोर, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, एल वन तुम्हारा लैम्डा हो गया है ना, एल वन लैम्डा हो गया, और यहाँ पे लैम्डा कितना हो गया, फोर एल टू. तो बेसिकली ये लैम्डा इंपॉर्टेंट है, ये लैम्डा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो यार यहाँ पे वेलोसिटी दोनों में वी और वी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है. तो ये हो जाएगी वी बाय लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा क्या है, एल वन, यहाँ पे लैम्डा क्या है, फोर एल एल टू. अब बताओ, भगवान की कसम बताओ कि हमने कोई फॉर्मूला याद रखा, हमने लॉजिकली किया यार, हमने एंजॉय किया सवाल को, है ना. एवरीवन हैज अंडरस्टैंडिंग, वी आर प्लेइंग विद प्रॉब्लम्स हियर, एंड वही करना है, ठीक है. सो इफ यू लाइक दिस डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, हैशटैग जेई लाइव डेली शेयर हो जाना चाहिए आज, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, और मुझे टैग भी कर देना एवरीवन, सो यू कैन फाइंड मी विद दैट चैनल, आई एम ऑल्सो फॉलोइंग दैट चैनल, ठीक है. तो यार इंस्टाग्राम चैनल क्लियर है, तो इसको देख लो. तो इसको जब आप इक्वेट करोगे तो क्या आता है, जब आप इसको इसको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसको जब तुम इक्वेट करोगे बड़ी सिंपली आ जाता है, ठीक है. अब जेई में सॉल्व करना बेवकूफ़ी होती है पूरा, है ना. इसको देखो, v बाय एल वन इज इक्वल्स टू वी बाय फोर एल टू, ख़त्म ख़त्म. अब जल्दी से बताओ इसका रेशियो ही देख लो, एल टू बाय एल वन, एल टू बाय एल वन क्या है, वन बाय फोर, वन बाय फोर, वन बाय फोर किस में, इसमें वन बाय फोर है, नहीं इसमें वन बाय फोर है, नहीं ये वन बाय फोर है, हाँ ये वन बाय फोर है, देखो फोर टाइम्स, ये नहीं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. बट हमें तो पूरा करना है, हमें तो भाई बिल्कुल पूरा करने में सर मजा आता है. तो यार आप बोलोगे दिस इज इक्वेशन टू, इक्वेशन वन तुम्हारी यहाँ पे एल वन प्लस एल टू, एल वन प्लस एल टू इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इन दोनों से आपको मिल जाएगा. तो वेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन वन एंड टू यू विल गेट दिस, ठीक है. देखो सो फ्रॉम वन एंड टू आपको क्या आंसर मिलता है, कौन सा बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है. तो L2 तुम्हारा आएगा 20, ये आएगा तुम्हारा L2 कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, और L1 आएगा तुम्हारा 80 सेंटीमीटर, ठीक है. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना, समझ में आ गया. और यार ये तो समझ में आ ही रहा है, ये वही वाला प्रॉब्लम हो गया, तुमने ड्रॉ करते ही देख लिया कि यार फ्रीक्वेंसी सेम है, वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम है, तो वेवलेंथ भी सेम होगी. तो यार यहाँ पे लैम्डा बाय फोर आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है, आधी पत्ती, यहाँ पे चार आधी पत्तियाँ आ रही है, तो वन एस टू फोर, ठीक है. सो अगेन दिमाग में, दिमाग से खेलो, दिमाग से खेलो, ऐसे तरीके लिखे नहीं होते, तुम्हें खुद बनाने होते हैं, प्रैक्टिस से आते हैं, ठीक है. सो दैट्स अबाउट इट. अब चलो लास्ट चीज़ कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज द रेजोनेंस ट्यूब. टू बी ऑनेस्ट दो कौड़ी की चीज़ नहीं है ये, दो कौड़ी की भी चीज़ नहीं है रेजोनेंस ट्यूब, इट्स द एक्सपेरिमेंट. इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, नाम बड़े बड़े थे, काम छोटे थे, ठीक है. अब देखो सीबेक्स ट्यूब, मतलब देखते ही, मतलब मैं खुद बता रहा हूँ, बच्चा था मेरी हालत खराब हो गई, सीबेक्स ट्यूब करने वाले आज हम, मेल्डीज एक्सपेरिमेंट करने वाले हम, है ना. अब तुम कुंड ट्यूब बोलोगे, अब वैसे एक रेजोनेंस ट्यूब होता है. तो रेजोनेंस ट्यूब मतलब कोई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तुमने ढूंढ ली है. तो बेसिकली अब एक रेजोनेंस ट्यूब क्या होती है, एक ऐसी ट्यूब होती है, देखो ध्यान से देखो, एक ऐसी ट्यूब होती है, तो उसमें क्या करते हो तुम, उसका लेवल तुम कम ऊपर नीचे कर सकते हो पानी का, ठीक है. और तुम यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोक रखते हो किसी फ्रीक्वेंसी का, ट्यूनिंग फोक रखते हो किसी फ्रीक्वेंसी का, ठीक है. और अगर कोई फ्रीक्वेंसी है तो कोई लैम्डा है, अगर कोई फ्रीक्वेंसी है तो कोई लैम्डा है, क्योंकि इसकी कोई फ्रीक्वेंसी है एफ, है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड वी है, ठीक है. ये कुछ साउंड क्रिएट कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज वी, समझ आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज वी.
और फ्रीक्वेंसी इज एफ, तो लैम्डा कॉन्स्टेंट होगी, लैम्डा कॉन्स्टेंट होगी ना, सबको समझ में आ गया, लैम्डा कॉन्स्टेंट होगी इसकी. वी फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क इज फिक्स्ड. तो जैसे तुम टंग टंग टन 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 करते हो तो तुम एकदम से देखते हो कि उस लैम्डा की अगर लैम्डा बाय फोर्क, तो बिकॉज यहाँ पे पानी है तो यार ये क्या हो गया, ये तुम्हारा एक क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया ना, दिस इज लाइक अ क्लोज ऑर्गन पाइप. ये वाला हिस्सा, ये फ्री सर्फेस ऑफ वाटर विल एक्ट एज अ फिक्स्ड एंड, है ना, फिक्स्ड एंड और बेसिकली क्लोज एंड. तो दिस इज लाइक अ क्लोज ऑर्गन पाइप. ठीक है, इट इज लाइक अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ओनली. ठीक है, रेजोनेंस ट्यूब में ये अगर तुम पानी भर दिया तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया. तो यार यहाँ पे किसी एक लेंथ पे एक लैम्डा बनेगी, है ना, एक रेजोनेंस आएगा, तुम्हें साउंड सुनाई देगी ज्यादा, मतलब एकदम से मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी, क्योंकि रेजोनेंट हो गए ना, तो तुम्हें सुनाई देती रहेगी, है ना, तुम्हें यहाँ पे सुनाई दी, है ना, इस लेवल पे. तो तुमने L1 नोट कर लिया, फिर तुमने L को और बढ़ाया. तो जब तुमने, है ना बच्चों, बस दो तीन मिनट और. तो यार जब तुमने L को और बढ़ाया, तो फिर से एक नोट फिट हो जाएगी यहाँ पे. तो बेसिकली दिस इज वन पॉसिबिलिटी. उसके बाद क्या होगा, एक और पॉसिबिलिटी आ जाएगी जब एक और पत्ती आ गई बीच में. तो अब तुम्हें L1 पता है, L2 पता है. अब तुम लॉजिक से मुझे इतना बता दो बच्चों, ये L1 है, ये L2 है, तो तुम्हें L2 - L1 पता है ना यार. पता है तुम्हें L2 - L1 क्या होगा? L2 - L1 इज वन पत्ती का डिफरेंस, विच इज लैम्डा बाई टू, है ना. ये क्या होता है, लैम्डा बाई टू, है ना. तो ये क्या होगा, लैम्डा बाई टू. तो तुम्हें लैम्डा मिल गया बच्चों, तो तुम एक्सपेरिमेंटली वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हो, क्योंकि तुमने फोर्क मार्केट से खरीदा, उस पर तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता थी, है ना. तुमने रेजोनेंस किया, तुमने ये बजाया, तुमने एक लेंथ पे देखा, हाँ आवाज़ आ रही है, रेजोनेंस हो गया, है ना. फिर तुमने और धीमे धीमे नीचे किया, एक्सपेरिमेंट लैब में तुमने थोड़ा थोड़ा नीचे किया, फिर से आवाज़ सुनाई दी, तुमने बोला हाँ रेजोनेंस फिर से हो गया. तो तुमने बोला पहले ऐसा था फिर ऐसा था, मतलब दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज हैं. अब तुम्हें ये नहीं पता कि यही वाले दो केसेस हैं, दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज हैं, बट उनमें आधी पत्ती का फर्क था. तो तुम्हें L2 तुमने नोट किया था, फिर तुमने L1 सक्सेसिव नोट किया, तो तुम्हें ये पता चल गया कि L2 - L1 इज लैम्डा बाई टू. इफ L2 - L1 इज लैम्डा बाई टू, तो बेसिकली लैम्डा क्या है यहाँ से, टू टाइम्स L2 माइनस L1. ठीक है, क्योंकि तुम्हें ये पता चल गया कि यार ये तुम्हारा लैम्डा बाई टू है. ठीक है ना, समझ में आ गया ना, आधी वेव है लैम्डा बाई टू, है ना, ये पूरी वेव होती है ना, समझ आ गया. तो लैम्डा बाई टू है. तो बेसिकली L2 - L1 कितना आ गया तुम्हारा, एक्सपेरिमेंटली लैम्डा बाई टू. अब देखो थ्योरेटिकली तुम कैसे करते, थ्योरेटिकली तुम बोलते ओके मेरे लैब में टेम्परेचर पता है मुझे, मोलर मास पता है मुझे एयर का, है ना, गामा पता है मुझे एयर का, आर पता है, तो तुम थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू निकाल लोगे जो 332 के आसपास आएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड. नाउ दिस इज, अब ये सारे एक्सपेरिमेंट तुम्हें क्या निकाल के देते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. तो यार तुम्हें ये समझ में आ गया कि L2 - L1 क्या हुआ, लैम्डा बाई टू, है ना, L2 - L1 तुम्हारा आ गया लैम्डा बाई टू. तो लैम्डा कितना हो गया, टू टाइम्स L2 - L1. समझ में आ गया. तो अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगी, V = F λ, है ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगी, V = F4. तुम्हें पता था लैम्डा, तुम्हें पता चल गया, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगी, ये तो तुम निकाल सकते हो, F4, है ना, F0 या F4 इनटू 2 times L2 - L1. देखो L2 तुम्हें पता था, L1 तुम्हें पता था, मार्केट से जो फोर्क लेके आए थे तुम्हें उसके बारे में भी पता था. ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से. सो दिस वॉज द रेजोनेंस ट्यूब, दो कौड़ी का था ना, लिख दो कौड़ी का था तो. ठीक है, चैट में भी लिखना, कमेंट्स भी लिखना डेफिनेटली, और शेयर करना इसके बारे में सब कुछ. ठीक है गाइस, आई थिंक दैट वाज अबाउट इट. बहुत मजा आया एंड आई होप यू आर फॉलोइंग दिस. एंड वेरी सून, अभी हम आपके, हमारा पूरा, पता है पूरा हम कमर कस रहे हैं कि पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए इस साल के जेई लाइव डेली में. उसके बाद एक बहुत ही नया सेशन स्टार्ट होगा जेई लाइव डेली का, जो सब देखते रह जाएंगे और आपको भी बहुत मजा आएगा. स्टे ट्यून्ड, आपको डेली आना है, डेली रिवाइज करना है. नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. और जो बच्चे 11th में हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहो और रिवाइज करते रहो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी कसर रह रही है, मुझे और अटेंशन चाहिए हमारे एजुकेटर्स का, है ना, देन इन दैट केस डेफिनेटली कम ऑन प्लस. तो अगर आपको यहाँ पे मजा आ रहा है तो प्लस पे तो भाई धमाका हो जाएगा. सो डेफिनेटली यू कैन टेक एनी सब्सक्रिप्शन, बट डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड नमो लाइव. तो अगर आपको मेरे किलर विजुलाइजेशंस और लर्निंग
पसंद आते हैं तो डेफिनेटली यूज़ द कोड नमो लाइव, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिलेगा एंड दिस इज़ लाइक सोशल करेंसी फॉर अस. अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली लेट एवरी वन नो अबाउट दिस कोड. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल एंड वुड लव टू सी यू ऑन अनअकैडमी प्लस वेरी सून. ठीक है, उसके अलावा जल्दी से हैशटैग जेई लाइव डेली, इस सेशन में कुछ भी पसंद आया मैं चाहता हूँ कि उसको मैं देखूँ. इंस्टाग्राम स्टोरी पे आप मुझे टैग करोगे तो आई विल सेंड यू अ डायरेक्ट मैसेज. और हमारे इंस्टा पेज को जल्दी से जाके फॉलो कर लो अभी के अभी. ठीक है, अनअकैडमी जेई ऑफिशियल. सब्सक्राइब का लाल वाला बटन दब जाना चाहिए, घंटा बज जाना चाहिए, इन दोनों में स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हो जानी चाहिए अभी के अभी. ठीक है, ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे वो भी बता देता हूँ. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी पहले नोट्स डाउनलोड कर लेना. नेक्स्ट क्या आने वाला है सुनो, रेजोनेंस ट्यूब कर लिया, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन. कुंड्स ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करेंगे विद विजुअलाइजेशन. कुंड्स ट्यूब बहुत सिंपल चीज़ है, नाम से मुश्किल लगता है, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं उसको, है ना, फालतू में, बट इट्स सिंपल, है ना. मतलब अगेन उसको भी हम ऐसे दो मिनट तीन मिनट में कर देंगे. कुंड्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस पर दो तीन अच्छे सवाल करेंगे एंड वी विल ऑल्सो लुक एट एंड करेक्शन के प्रॉब्लम्स. ठीक है, एंड देन वी आर लेफ्ट विथ ऑब्वियसली डॉपलर्स इफेक्ट. एक चीज़ बता दूँ, डॉपलर्स इफेक्ट में मैं जो सेशन करने वाला हूँ वैसा कभी आपने नहीं देखा होगा, बिकॉज वो है ही ऐसा. मतलब आई टेल यू वन वे ऑफ सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट. ठीक है, सो इतना तो आपको भरोसा करना पड़ेगा. चलो आगे बढ़ो, बट थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें, क्योंकि अभी आई एम डोनेटिंग माई सेशंस टू केमिस्ट्री. ठीक है, केमिस्ट्री के सारे सेशंस आई होप आप कर रहे हो, अनुपम सर भी आपकी हेल्प कर रहे हैं और पारा सर के साथ. सो दैट्स अबाउट इट, अनअकैडमी नीट बच्चों के लिए. अगेन मैं बताना चाहता हूँ, ये 250,000 ऑलरेडी टच कर चुका है इन जस्ट सम मंथ्स. ठीक है, सो डेफिनेटली नीट के एस्पिरेंट्स, मेडिकल वाले बच्चों को बता देना अनअकैडमी नीट ऑलरेडी जोरों शोरों से लगा पड़ा है. एंड ऑब्वियसली दिस इज द लव ऑफ आर लाइफ, अनअकैडमी जेई, द ओनली IIT JEE चैनल ऑफ on YouTube which is trending today, that is Unacademy JEE. So guys, that's about it and we would love to see you on और Unacademy Plus पे जल्दी से आ जाओ, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा एंड हम आपको बहुत ही पर्सनलाइज वे में पढ़ा पाएंगे. तो यार ये मेरा मतलब एक तरीके से आपको एक एडवाइस है, इसको एडवाइस को लो और जल्दी से प्लस पे आओ. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय.